So welcome to all of you. Today is day two. आज यार दूसरा दिन है. आज के दिन हम टू डायमेंशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो बच्चों, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मींस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्लिक मोशन के बारे में बात करते हैं. तो ऑब्लिक मोशन, आप सब अवेयर हो कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी भी पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो किया जाता है, अगर यू स्पीड से आपको थ्रो कर दिया गया तो वो क्या होगा, जो भी पाथ ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है उस ट्रेजेक्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. क्लियर मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा सुनने वाली बात है. यहाँ पर यूएक्स, यूएक्स को बोलते हैं हॉरिजेंटल इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. प्लीज रिमेंबर दिस टर्मोलॉजी, यूएक्स इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड यू वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. बच्चों इन दिस केस इस केस में आपको यूएक्स जो है, जो ये हमने केस लिया है यहां पर, ये जो केस लिया है ये वाला, इस केस में ux जो है वो u cos थीटा के बराबर है एंड uy इक्वल टू u sin थीटा. इन आइडियल कंडीशंस अगर किसी तरीके की एयर रेजिस्टेंस जीरो है, आइडियल कंडीशन मतलब एयर रेजिस्टेंस अलोंग x डायरेक्शन, अगर बच्चों एयर रेजिस्टेंस अलोंग x डायरेक्शन जीरो है, so we can say that acceleration along x direction is zero, either there is no any retardation and no any acceleration, but due to acceleration due to gravity the acceleration along y direction is x towards the downward. This is equal to 9.81 meter per second square or 10 meter per second square. These are the basic informations. Please remember everyone, इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशंस जनरली ऐसा लिया जाता है कि ux u cos थीटा होता है, uy u sin थीटा होता है, आइडियल कंडीशन में ax जीरो होता है और ay -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आप कैरी कर सकते हो, जिसमें से पहला फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू 2u sin थीटा / g. इसको आप इस तरीके से कैरी करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट ला सकते हो. आप आंसर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके यूज कर सकते हैं. द टू इंटू वाई कंपोनेंट, वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, और टू इंटू वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन. सिमिलरली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप इसको भी इसी तरीके से रिमेंबर करो, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay. सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज यहाँ लिखी हुई है जो शायद यहाँ पर कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो वो टर्मोलॉजी अगर आपने देख ली तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकंड करके आओगे. सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द चेंज इन पोजिशन. अगर मतलब मान लीजिए कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ है और टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो उसने ये जो पोजीशन ट्रेवल किया, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा मेरे दोस्तों, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं. तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स एक्सिस में वो चलता है यूएक्स इंटू टी बिकॉज देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, और वाई में हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. सो लेट अस सी, दिस इज योर रिजल्ट. So, बेटे यहां से डिस्प्लेसमेंट आता है यू एक्स टी प्लस आई यू एक्स टी आई कैप प्लस टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल काइनेमेटिक्स इक्वेशंस बिकॉज देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन. क्लियर मेरे दोस्तों? अगर इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, इसी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर दें यार, इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा dr ओवर dt.
सो बच्चों अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ux t, t की पावर 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन ux मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y plus ay into t. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग x डायरेक्शन. क्लियर मेरे दोस्तों? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म है रेंज. रेंज बराबर क्या होता है? आर इक्वल टू यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी और टू यू एक्स यू आई अपॉन ए वाई. और वी कैन से दैट, उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं एक नया फॉर्मूला कि आप रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम भी लगा सकते. ये सब आइडियल कंडीशन की बात हो रही है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं आप. जिसमें पहला पॉइंट है आपको, अगर एक मान लीजिए फॉर एंगल थीटा एंड फॉर एंगल 90 माइनस थीटा. कहने का मीनिंग है अगर आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया और कोई एंगल एक बार थीटा लिया और दोबारा वो एंगल 90 माइनस थीटा लिया, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. सो अगर दोनों के केस में सेम वेलोसिटी रखी यू और यू, तो आपका एक का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta by g आता है, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u cos theta by g आ रहा है. इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम ऑफ फ्लाइट्स का आपस में डिवीजन किया जाए तो वो प्रोजेक्शन एंगल के बराबर, टेंजेंट ऑफ द प्रोजेक्शन एंगल के बराबर. एंड इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम ऑफ फ्लाइट्स इज इक्वल टू द टू टाइम्स रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड डिवाइडेड बाय जी इन द बोथ केस आइदर फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा. दोनों केसेस में चाहे थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, फॉर थीटा एंड फॉर 90 माइनस थीटा दोनों के केस में रेंज आपको सेम मिलने वाला है, रेंज बदलता नहीं है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो ना थी, ये तो आप जानते ही हो रेंज बदलता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज नहीं लिया, बट ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट. जनरली कई बार पूछा जाता है कि सर रिलेशंस कितना होता है रेंज और हाइट में. तो relations between R and H is equal to R equal to 4H cot theta. This is also very important. कई बार इससे related JEE mains और NEET में questions आ चुके हैं. अभी भी आप देखोगे तो 4H cot theta से याद करते हैं, within a seconds निकाल सकते हैं. फिर भी अगर किसी चीज में trouble feel हो रहा है और अभी भी इन सारी information से अगर कोई answers नहीं निकलता, तो please use this Rambaud इलाज. Such a very very important equation of trajectory. Equation of trajectory says that अगर आपने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन आप करा रहे u एंगल थीटा पर इस तरीके से, तो आप इस इक्वेशन को या तो फॉलो कर सकते हैं या इसके इस मॉडिफाइड फॉर्म को फॉलो कर सकते हैं. y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. आइदर y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r. हियर r इज द रेंज. क्लियर माई डियर फ्रेंड्स? छोड़कर अगर किसी हाइट पर हॉरिजेंटली छोड़ दिया जाए, हॉरिजेंटली यू स्पीड से रिलीव कर दिया जाए, तो वो क्या करता है, इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है. सच टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड horizontal projectile trajectory and this type of motion is called horizontal projectile motion. So time of flight is simply this is 2 h by g. Iske liye main ek baar bata do, ux is taken a u and uy is taken a 0. Ab ux ko u aur uy ko 0 le sakte ho. Ax is 0 in ideal condition and ay is taken g meter per second square. तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2h / g, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. अगर इस t इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी किसी भी पॉइंट पे आप कोई वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो उसमें एक x एक्सिस में वेलोसिटी होगी u और दूसरी y एक्सिस में वेलोसिटी होगी विच इज at. a इज gt, तो ayt लिख सकते हैं. Either ut minus, because taking upward direction is positive, to downward direction is automatic negative. So this is minus ayt into g cap and this is i cap. मेरे दोस्तों इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. सो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए भी इसी इक्वेशन, ये जो आपने इक्वेशन निकाली है ना ये वाली, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो, तो यूटी माइनस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर.
यहां से डिस्प्लेसमेंट निकल आता है, और डिस्प्लेसमेंट निकलने के बाद रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज यू एक्स इंटू टी और यू इंटू अंडर रूट टू एच वाई जी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस केस में होती है u is equal to minus half of gx square over u square cos square theta। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से वो क्वेश्चन हो ही जाएगा, 100% बात। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रबल्स को हम देखते हैं, फील करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कैसे इस आर्टिकल को करा जा सकता है, ठीक है? कुछ पुराने क्वेश्चन पे बेसिस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए क्या पूछा गया, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, प्रोजेक्ट किया गया है विद अ वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। अब भैया हमारी इंफॉर्मेशन क्या है पूरी, ये समझ, हमारी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि बच्चों अगर पार्टिकल को इस तरीके से छोड़ा गया, यू स्पीड से थ्रो किया गया, यू या वी कुछ भी ले लो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, वी स्पीड से छोड़ा गया, एंगल 45 डिग्री है मेरे दोस्तों, जैसे ही हिट करेगा, जिस एंगल से हिट करता है, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है उसी एंगल से हिट करता है, ये एंगल भी 45 डिग्री। अच्छा भैया जरा ध्यान से देखते, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस 45, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin 45। सिमिलरली इधर भी x कंपोनेंट हो जाएगा v cos 45 एंड y कंपोनेंट मेरे दोस्तों हो जाएगा v sin 45। आप देखो क्या x चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, कोई बता सकते हैं? डेल्टा वी एक्स आपको दिख रहा होगा, ये और ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, जीरो, जीरो, बहुत अच्छे, जीरो मीटर पर सेकंड। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, सो यहां लिख रहा चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हाउ मच, तो कितने, देखिए पहली बात तो दिस इज नॉन जीरो बिकॉज दिस इज टेकन अ पॉजिटिव, सो दिस इज टेकन अ नेगेटिव, भैया हाँ ना बोलना पड़ेगा, तो ये ऐड हो जाएगी ना भाई, v sin 45 माइनस माइनस प्लस v sin 45, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 2v sin 45। sin 45 बेटा कितना होता है, रूट वन बाई रूट टू, सो दिस इज into 1 by root 2 which is equal to delta Vy, कितना आ जाएगा बेटा, root 2V। तो change in momentum बेटा कितना हो गया, change in momentum कितना हो गया, change in momentum is delta P is equal to delta M into V, तो mass तो बदल नहीं रहा, मास तो बदल नहीं रहा, ऐसे ही लिख दिया दिस इज डेल्टा वी, तो एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं है बट वाई एक्सिस में चेंज है, तो डेल्टा पी होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी एम इनटू रूट टू वी, तो आंसर इज रूट टू एम वी। तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो मोमेंटम और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड पे था, आंसर फर्स्ट, क्लियर बच्चो, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी टू डायमेंशन का एक क्वेश्चन दिया गया। अ पार्टिकल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सेलरेशन दिया गया 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन आप कैरी कर लो और इससे सीखो, क्या सीखना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड a वेक्टर आपको दिया गया है 0.4i कैप प्लस का 0.3j का। मेरे दोस्तों यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकंड और या 3 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, और सिमिलरली x वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन हाउ मच, इट इज 4 यूनिट। सिमिलरली
एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज वॉट 0.4 यूनिट और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0.3 यूनिट. क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर. यस सर. So, अब हम क्या लगा सकते हैं, हमसे पूछे स्पीड आफ्टर 10 सेकंड. सो मैं आपको बस इतना बोलूंगा, अगर ये टू डायमेंशन, दिस इज द टू, दिस इज द इंफॉर्मेशन, बाय दिस इंफॉर्मेशन दिस मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन. बोलो भाई सानू. सो पार्टिकल परफॉर्म टू डायमेंशनल मोशन. सो बच्चों अगर पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करता है ना, सो ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन को इस एनालिसिस करने के लिए आपको करना क्या है, बस आपको क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है. स्प्लिटिंग एनालिसिस अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, साइमल या रिस्पेक्टिवली विद साइमल्टेनियसली डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. बस यही आपको करना, और कुछ नहीं. ये आप बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठ जाओ जैसा कुछ बात नहीं. आपने जैसे ही एनालिसिस किया आपको पता चल गया ये टू डायमेंशनल मोशन है, आपने तुरंत उसे एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में अलग अलग कर दिया. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग करते ही आपसे पूछा गया है, आप मेरे को बताओ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन आफ्टर 10 सेकंड कितनी होगी. आफ्टर 10 सेकंड तो हम क्या लगा देंगे, यूएक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. दिस द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. यू एक्स थ्री प्लस 0.4 इंटू 10 कितना आ गया बच्चा, 7 यूनिट है ना. सिमिलरली वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया तो वी वाई कितना दिया गया बेटा, वी वाई आपको है 4 प्लस ए वाई कितना है, ए वाई है आपका 0.3. तो दिस इज 0.3 इंटू 10. इसको सॉल्व करेंगे तो वी वाई भी कितना आ जाएगा बेटा, 7 यूनिट आ जाएगा. अब आपसे स्पीड पूछा गया, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. मेरे दोस्तों ये आंसर आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट. द आंसर इज 3rd. एक बार फिर से देख लीजिए आप प्लीज इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं. तो 3i कैप 4j कैप 0.4 i कैप प्लस 0.3j कैप. आप इसको अलग अलग कर लीजिए, x ux uy ax ay. 10 सेकंड बाद आपसे पूछा गया तो एक बार x एक्सिस में आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और दोबारा आप सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस में भी लगा सकते हैं. वहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म निकल जाएगा. फिर भी अगर कोई बच्चे इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं, अगर किसी को लगता है कि सर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट भी बताता हूं आपको. आपको देखिए यहाँ पर यूएक्स दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एएक्स दिया गया है आपको, सॉरी एएक्स नहीं, इट्स ए वेक्टर दिया गया है. आपको a वेक्टर दिया गया है, दिस इज 0.4 i कैप प्लस 3j कैप. 0.4 i कैप प्लस 0.3j कैप. लेट अस सी द अल्टरनेटिव मेथड. आपको क्या करना है, 10 सेकंड तो आप डायरेक्ट लिखो v इज इक्वल टू, आप वेक्टोरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, u वेक्टर a वेक्टर इनटू t, ठीक है, वेक्टोरली ऐसे लगा. आप जैसे ही लिखोगे तो यू वेक्टर को आप लिखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a, ऐसे लिखा हुआ है, और इनटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप. बच्चों इसको देखने के बाद, इस इक्वेशन को देखने के बाद i वाला i के साथ j वाला j के साथ ऐड कर देंगे आप. तो आप जब ऐड करोगे मेरे दोस्तों, ऐड करने पे आपको रिजल्ट आ जाएगा यहां पर, आपके पास रिजल्ट आएगा वेक्टर v इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 7j कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही स्पीड होगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 रूट 2. सो दिस इज द अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट
इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू कैन यूज दिस फॉर्म, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन प्लीज फॉलो दिस दिस थ्योरम. क्लियर मेरे बच्चों? यस सर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. AIPMT मींस द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. चलिए एक एनालिसिस करते हैं. देखिए कितना आसान क्वेश्चन लिया क्यों गया है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाना चाह रहा हूँ, आप जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सको. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक पार्टिकल को छोड़ा गया यू स्पीड से किसी एंगल थीटा पर. वो बोल रहे हैं आपने जब भी छोड़ा ना तो मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है, इनिशियल कंपोनेंट जीरो होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम ट्रेजेक्ट्री, एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम एट टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री ओनली ux कंपोनेंट इज प्रेजेंट. दिस इज इक्वल टू u cos थीटा एंड द uy vy शुड बी जीरो, एक्चुअली मस्ट बी जीरो. सो ux वो बोल रहा है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल u है तो ux इज इक्वल टू कितना दिया गया है यहां पर, दिस इज u cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू u by 2. u से u कैंसिल आउट हो गया बच्चा, यहां से cos थीटा कितना हो जाएगा 1 by 2. तो cos थीटा अगर 1 by 2 हो गया तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री. तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री. सो आंसर इज 4. क्लियर? क्लियर? यस सर. यस सर. अगला क्वेश्चन. A body is moving with a velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity 40 meter per second towards north. देखे, यहाँ पर भी एक बार x axis दुबारा y axis. So average acceleration of the body. चलो भैया, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ये भी टू डायमेंशनल मोशन है. देखिए सबसे पहले बात समझिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन को समझते हैं. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी. दिस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस. सो दिस सो हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई वो ये बोली गई कि एक बॉडी ईस्ट की ओर जा रही है. चलो भैया ईस्ट की ओर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. ठीक है भैया, ईस्ट की, आप ईस्ट की ओर जा रहे हो 30 मीटर पर सेकेंड से, लाइक दिस 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की. ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद तुमने एक टर्न लिया, टर्न ले लिया ऐसे, यहां पहुंच गए और ये आपकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी किधर की ओर है? V1 अगर इनिशियल वेलोसिटी लिया जाए तो 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है कि नहीं है बच्चों, हैं? और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है कि नहीं है बच्चा? यस सर. तो अगर मेरे से चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर. अब भैया कैसे सॉल्व करेंगे? तो दो तरीके हैं. आप चाहो तो इसको भैया ईस्ट एक्सेस को आई कैप मान लो, इसको जे कैप मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये हो जाएगा माइनस जे कैप. बहुत आसान होता है. तो भैया आप देखो V1 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखोगे आप? V1 30 आई कैप लिख लोगे, हाँ सर. और V2 वेक्टर को कितना लिख दोगे बेटा? 40 j कैप लिख लोगे. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 40 j कैप माइनस का 30 i कैप. बोलो 40 j कैप माइनस का 30 i. अच्छा बच्चों अब इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कोई? स्क्वायर रूट ऑफ 1600 प्लस 900 कितना आ जाएगा बेटा? कितना? 50. और एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया फिर? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. तो डेल्टा वी 50 बटे 10 कितना आ गया? क्लियर? बोलो भाई. हाँ सर. हाँ, समझ गए. आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब हो जाने चाहिए, है ना? हाँ सर. अब देखो एक क्वेश्चन और.
a missile is fired from a maximum range for a maximum range with its initial velocity 20 meter per second. The range of the missiles is. तो maximum range का meaning क्या है? जरा बताओ. Maximum range का meaning क्या होगा? यहां पर बस यही टर्मिनोलॉजी है कि आपको ये सीखना है कि मैक्सिमम रेंज. तो चलिए रेंज का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं. आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. सो मैक्सिमम कब हो सकता है? आर तब मैक्सिमम हो सकता है व्हेन थीटा शुड बी 45 डिग्री. जब थीटा 45 डिग्री होगा मेरे दोस्तों, तो आर जो है वो मैक्सिमम होगा. कितना होगा ये आपसे पूछ लिया गया. आर बराबर U स्क्वायर अपॉन जी. ये फॉर्मूला मैक्सिमम का होता है डायरेक्टली. आप यहां से U 400 बटे 10 किया, कितना आ गया 40 मीटर आ गया. कितना आ गया 40 मीटर. ठीक है, आगे देखते हैं. अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज. देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आपसे क्या पूछना चाह रहा है. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. चलो मैं यहां ड्रॉ करता हूं. एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, ये एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. अरे भैया ये ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया. आपसे पूछ रहे हैं इसके हाईएस्ट पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल कितना होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं. तो भैया देखो इस एंगल को हम निकाल सकते हैं कि नहीं, पहले ये देखिए सबसे पहले. तो भैया हाँ हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीके से. ये एंगल थीटा जी. भैया ये दूरी हो गई, देखो ये थीटा और ये थीटा अलग अलग होंगे कि एक जैसा होगा, पहले ये बताओ. क्या थीटा 45 हो सकता है? क्या थीटा 45 हो सकता है? सबसे पहले ये बात करते हैं. तो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि सर ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है. इस ये एंगल कभी इस एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता. हो सकता है क्या? नहीं सर. थीटा कभी 45 नहीं हो सकता. इस बात को आप समझ लो. ठीक है, ये बात समझ गए आप. तो थीटा डज नॉट इक्वल टू 45. इसका मतलब ये आंसर्स तो नहीं होने वाला. अब ये तीन आंसर्स बचे. चलो वन बाय वन निकालते. तो हमें एच पता हो जाए, आर पता हो जाए. तो आर और एच में क्या रिलेशन होता था याद करो. आर बराबर 4h cot थीटा. ये पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, आज बताया था. थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर थीटा की जगह ये अल्फा ले लेते, ये एंगल अल्फा ले लेते, क्योंकि हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो दिस एंगल इज अल्फा एंड अल्फा डज नॉट इक्वल टू 45. तो हम एक रिलेशन जाते हैं, आर इक्वल टू 4h cot थीटा. हियर द थीटा इज 45 डिग्री. सो आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4h आ गया. आर किसके, इसका मतलब आर बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा? 2h के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो 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 बोलो. तो अब देखो एक ट्राइंगल मैं बना रहा हूं आपके सामने, जिसका ये एंगल मैं आपसे पूछ रहा हूं अल्फा, और ये वैल्यू एच दे दी और ये वैल्यू 2h दे दी. आप इस अल्फा और इस अल्फा दोनों एक ही हो सकते हैं ना, ये दोनों, ये अल्फा और ये अल्फा. तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एस से एच कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1/2. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा. ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन. एक बार और समझाता हूँ पूरी डिटेल. आपका बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे करोगे. ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, आप करते, लेकिन आप R निकालते, फिर H निकालते, फिर उनको डिवाइड करते, इतना टाइम वेस्ट करते. और आप थोड़ी सी ट्रिक लेनी थी. ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक प्रॉपर्टी पता है. बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें नोट्स में सिखाया गया है. नोट्स में क्या सिखाया गया? नोट्स में हमें एक रिलेशंस दिया गया है. एक बार और देख लो आप लोग. एक बार और दिखाते हैं.
अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। देखो क्या बोला गया, एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन 45 डिग्री पर इस तरीके से। तो पूछा जा रहा है इसके टॉप ऑफ द एलिवेशन पर, टॉप ऑफ से ये जो एलिवेशन एंगल होगा, एलिवेशन एंगल मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मिलाई जा रही है ये वाली, ये जो ये एंगल बनाती है, ये जो एंगल बनाती है, ये एंगल अल्फा कितना होगा, ये पूछा है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, कई लोग पूछ रहे होंगे सर क्या अल्फा 45 हो सकता है, तो आप इस डायग्राम से ध्यान से देखो कि अल्फा कभी 45 डिग्री नहीं हो सकता। क्लियर मेरे दोस्तों? हाँ सर। ठीक है, अल्फा कभी 45 नहीं हो सकता। तो सर अल्फा कितना हो सकता है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट जो है इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये डिस्टेंस जो होगी वो हाफ ऑफ द रेंज के बराबर। क्लियर? एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट। इसका मीनिंग ये है कि अगर ये वाला एंगल अल्फा चाहिए तो ये वाला एंगल अल्फा दोनों बात बराबर ही है। एम आई राइट आर रॉन्ग? है ना बच्चों? इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर टेन अल्फा मेरे से पूछा जाता है तो मैं एच अपॉन आर बाई टू बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एच अपॉन आर बाई टू। अब तुम लोग क्या करोगे भाई, एच का फॉर्मूला लिखो, आर का फॉर्मूला लिखो, तुम्हारे पास टाइम है इसको कट करो। मैं भाई थोड़ा दिमागदार व्यक्ति हूँ तो मैं लिखूंगा आर ए बराबर 4h cot 45 डिग्री। इसका मतलब आर इक्वल टू हो गया 4h डायरेक्ट, और मैं उठा के यहाँ लिख दूंगा टेन अल्फा इज इक्वल टू R बाई एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर R इक्वल टू 4h रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा ना बेटा। और tan अल्फा 1/2 का मतलब कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2। क्लियर मेरे दोस्तों? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आता है, अ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल। लो अगला क्वेश्चन आ गया, R इक्वल टू एच, ये दे दिया हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। रिलेशन क्या होता है, R बराबर 4h cot थीटा, ये रिलेशन। तो R इक्वल टू एच रख दो, h इज इक्वल टू 4h cot थीटा, s से h कैंसिल आउट हो गया, यहां से 1/4 इज इक्वल टू cot थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू 4 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, सो ये भी आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर? यस सर। बेसिक प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पाओगे, सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है भाई, सब प्रीवियस ईयर्स है, आप उठा के देख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अगला। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i cap + 3j cap एंड एक्सेलरेशन इज दिस दिस दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ऊपर किया है तो मैंने आपको बोला भी था, आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, यू प्लस वेक्टर ए इंटू टी, डायरेक्टली लगाइए, वेक्टर ई बराबर 2i cap + 3j cap + 0.3 + 0.2 i cap j cap × 10। सो फाइनली आप देखोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा, दिस इज 0.3 × 10 = 3, 3 + 2 = 5i cap + 3 × 2 = 5j cap। मेरे दोस्तों 5i cap + 5j cap का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना आता है, बोलो बोलो, 5√2। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 5√2, तो दिस इज 5√2, तो आंसर इज 4। ठीक, अगला करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज दिस, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्या बदलेगी? हाँ बदल जाती है। क्या बदल जाता है? आई कैप सेम रहता है, आई कैप सेम रहता है, पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों के केस में आई एक्सेस में कोई बदलाव नहीं होता, तो ये दोनों तो वैनिश आउट हो गए क्योंकि यहाँ माइनस लगा दिया गया, तो ये आंसर होंगे ही नहीं। कौन कौन, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो भैया जे एक्सेस बदल जाता है, इधर ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर जाएगा नीचे की ओर, तो अगर ये पॉजिटिव है तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन ये ना होकर, है ना, आसान क्वेश्चन। हाँ सर। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड
with the initial velocity u vector barabar u naught i cap and v naught j cap. If the acceleration due to gravity along the negative y axis, then find the maximum displacement. बेटा maximum displacement का मतलब है range. मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाया है रेंज का, r बराबर 2 ux इनटू uy बाय g. इस इक्वेशन से देखो तो ux कितना आता है u नॉट और uy कितना आता है v नॉट. आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2 u नॉट v नॉट बाय g, ऑप्शन सेकंड. क्लियर बच्चों? हाँ सर. AIPMT 14 का क्वेश्चन क्या है? A particle is projected, a projectile is fired from the surface of the earth with a velocity 5 meter per second, an angle theta with the horizontal. Another projectile from the another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the particle projectile from the earth. Then the value of acceleration due to gravity on the planet given g is equal to 9.8 meter per second square. Trajectory अगर एक जैसे ही follow कर रहा है, इसका meaning ये समझ में आता है कि जो भी range है या जो maximum height है earth पर, वही maximum height planet पर है, और जो range है earth पर उस projectile की, वही range जो है वो क्या है? Planet. इस क्वेश्चन में यही बात बोल रहा है, बस ये कहना चाहता है आपसे. AIPMT 2014 का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है वो? ये बात कह रहा है कि सर कि एट द सेम एंगल अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ. दिस लाइन गिव्स द आइडिया दैट द प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल रेंज of the projectile on the earth's surface is same as the horizontal range of the projectile on the planet. Or the maximum height of the projectile on the earth's surface is equal to maximum height of the projectile on the planet's surface. So, किसी भी दो में से किसी एक फॉर्मूले को यूज करके हम बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. Let us see. Velocity of the particle. Velocity of projectile on earth surface uxu is 5 meter per second. Now the range is u square sine 2 theta upon 2g. And for planet, this is range is r prime is equal to u prime square sine 2 theta upon 2a. Both are same according to the question, both are same. So this is 3, 5 is 25 into sine 2 theta upon 2g is equal to, this is 9 into sine 2 theta upon 2a. बेटा sin 2 theta से sin 2 theta cancel, 2 से 2 cancel, यहां से acceleration आपके पास आ गया. g की value आपको कितनी दी गई है? 9.8. so you can very easily calculate the acceleration. इसको solve करेंगे तो acceleration कितना आएगा? 9 into 9.8 divided by 25. बच्चों इसको solve करोगे क्या? इसको solve कर सकते हैं क्या? तो हाँ कर सकते. 9 into 9.8 which is equal to 88.2 divided by 25. The answer is 3.53. कोई option है? Yes, first option. ठीक है? Clear समझे बच्चों? हाँ sir. अगला question देखते हैं. A particle is moving such that its position and coordinates are at time t equal to 0, x दिया गया है 2 meter, y दिया गया है 3 meter. बहुत. 2 second में x हो गया 6 meter. y हो गया 7 मीटर, 5 सेकंड में हो गया x 13 मीटर, y हो गया 14 मीटर. क्या कर सकते? एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5. बहुत बढ़िया, लाजवाब भैया. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे तो भैया देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं.
एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले सुनते हैं क्या होता है। वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू चेंज द पोजीशन। इसका मतलब बच्चों t इक्वल टू जीरो t इक्वल टू फाइव में इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना होगा। t इक्वल टू जीरो का इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, तो इट्स अ 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या कहते हो बच्चों, है ना। और t इक्वल टू 5 सेकंड में फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चों, दिस इज 13i कैप प्लस 14j कैप। तो मेरे दोस्तों दिस इज 13i कैप प्लस 14j कैप। नाउ बड़ी आसानी से चेंज इन rf वेक्टर माइनस ri वेक्टर कितना आ गया बेटो, 13 में से 2 गया 11 आई कैप, 14 में से 3 गया प्लस का 11 जे कैप। दिस इज द पोजीशन चेंज इन पोजीशन, सो दिस इज 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर्स आर 11 बाय 5 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर बच्चों? हां सर। x और y coordinates of the particle at any times are this x and y respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. Again solve करते हैं। तो acceleration x 5t square t minus 2t square, इसको differentiate कर दो, तो dx over dt कितना आ जाता है, this is 5 minus 2 4t। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, सो डी टू एक्स ओवर डी टी टू इज इक्वल टू जीरो माइनस फोर। दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वाई जो दिया गया है आपको 10t, उसको डिफरेंशिएट कर दो, वाई इक्वल टू 10t। डिफरेंशिएट किया सो आ गया 10, अगेन डिफरेंशिएट करो तो दिस विल बी जीरो। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो, टोटल एक्सेलरेशन इज माइनस 4 मीटर पर सेकंड। ओके भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। दो पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ बिल्डिंग। ए इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 2 विद अ स्पीड 2v मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड हर द बी इज मूविंग मेकिंग एन, व्हिच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड अर्लियर। सबसे पहले कौन हिट करेगा, क्या क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। चलिए देखते, हमें टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, y एक्सिस का एनालिसिस करना चाहिए। किसका एक्सिस करना चाहिए, हमेशा याद रखना, कभी भी टाइम की अगर चर्चा करें, फॉर टाइम अगर टाइम की चर्चा करें, सो प्लीज एनालिसिस ओनली अलोंग y डायरेक्शन। आप y डायरेक्शन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ए वाले का कंपोनेंट करेंगे तो वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, 2v sin 30। क्या कहते हो बच्चों, है ना, समझे? ओके 2v sin 30। बी वाले की अगर करोगे तो कितनी मिल जाएगी, 2v cos 30 v sin 60। क्या कहते हो, v sin 60, ठीक है बच्चा? हाँ सर। अच्छा, V sin 60. इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। अरे बोलो। हाँ सर। और इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, √3v/2। जो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट 0.87v। तो देखा जाए V1 से ये वैल्यू कम है कि ये वैल्यू कम है, VB कम है या VA कम है, सबसे पहले VB कम है और VA ज्यादा। बोलो भाई आसान। तो अगर मैंने यहां से चलना चालू किया, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर इस पॉइंट पर A वाला और B वाला दोनों रखे हैं, B को VB स्पीड से छोड़ा गया और A को VA, तो कौन ज्यादा दूर तक जाएगा, A वाला कि B वाला? ए वाला ज्यादा दूरी तक जाएगा ना, ए वाला ज्यादा दूरी तक चला गया, बी वाला यहीं कहीं रुक जाएगा। अरे रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, हाँ, तो जितना ज्यादा दूरी तक जाएगा वो उतना ज्यादा टाइम टेक करेगा कि नहीं करेगा,
जो जितनी कम हाँ दूरी सर, पर जाएगा वो उतना कम टाइम लेगा। अरे भाई ऐसा नो बोलना पड़ेगा यार, हाँ सर, हाँ सर, सिंपल भाई, दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही आने वाला है, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो ए वाला ऊपर की ओर ज्यादा जाएगा जबकि बी वाला कम जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? सो वी हाँ कैन सर, से दैट इनमें से कौन पहले टकराएगा, जल्दी बताओ। बी, क्लियर, समझ गए? यस सर, चलो अगला क्वेश्चन, अगला। अ बॉल वॉज थ्रोन हाइट एच द एंड द बॉल हिट द फ्लोर विद अ वेलोसिटी 10 i कैप माइनस ए, दिए बोल रहा है इस वेलोसिटी से टकरा रहा है। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आफ्टर 1.5 सेकेंड टाइम दिया गया है आपको, 1.5 सेकेंड। सो फाइंड द इनिशियल्स, ये आपसे यू पूछा। अच्छा भैया एक बात मेरे को समझाओ आप लोग, फिर से मैं वही बोलूंगा कि एक्स एक्सिस तो बदलता ही नहीं, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो बदलती ही नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। भैया एक्स एक्सिस की वेलोसिटी से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड लिख दिया है इन्होंने। अच्छा भैया, अच्छा तो वाई एक्सिस में करना पड़ेगा। ये भैया हो गई यू वाई, नीचे एक्सेलरेशन ए वाई, दिस इज इक्वल टू जी। जी कितना दिया गया है? नहीं दिया गया, चल जी 9.8 ले लेना फिर, ये 1.5। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या होता है? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई हमें पता है 10 है, दिख रहा है ना 10 माइनस का, यू वाई पता नहीं है, ए वाई माइनस 9.8 है इंटू 1.5, इसको 10 ले ले चलेगा यार, कैलकुलेशन शायद इजी हो जाए। 10 इंटू 1.5, तो 10 इंटू 1.5 का मतलब कितना हो गया बेटा? 15, 15 हो 15 इधर गया, चला गया तो यू वाई कितना आ गया? 5 आ गया। पांच अच्छा यू वाई 5, यू एक्स 15 10, अगर इन दोनों का स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? यू बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 25, दैट इज 125। सोचो 125 किसका स्क्वायर होता है? 5 रूट 5 का होता है कि नहीं? सर, क्लियर? तो आंसर भी समझे। आगे की इंफॉर्मेशन देख, तो उसी क्वेश्चन में कह रहा है इन द अबव क्वेश्चंस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो भैया यू वाई मिल गया, यू को यू एक्स मिल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बता सकते क्या? 10 थीटा इज इक्वल टू यू वाई बाई यू एक्स, तो दिस इज यू वाई इज 5, यू एक्स 10 इज 1/2, तो ऑप्शन इज दिस। और आगे दिया गया है, और आगे दिया गया है कि हाइट बता दो, एच एच कितना होगा? तो भैया अब ये एच बताने के लिए मैं बैठूं कि तुम लोग बैठो? चलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली? 5 रूट 5। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 रूट 2। भैया यही है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ सर, तो और एक्सेलरेशन जी है ओनली ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बच्चों? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी, हाँ यही होती है। या सर, फिर आप एक काम कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ प्लस एम जी एच, ये इनिशियल पॉइंट पे हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम एम यहाँ 2, तो यही टर्म बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। तो यू 5 का स्क्वायर किया तो 125 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इज 200, दिस विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h, 200 में 125 गया तो कितना बचेगा बच्चा? 75, 75/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 75/20 h, तो 25 और 3.75 3.75। ठीक है भैया, ऑप्शंस आर फर्स्ट। क्लियर बच्चों, ये समझ में आया आपको? हाँ सर, देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल को अच्छा करने के लिए और बढ़िया करने के लिए आपने देखा प्रीवियस टाइम पर, प्रीवियस इयर्स में जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत इजी थे कि नहीं? आपको क्या लगा कि आप उनसे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बोलिए भाई। हाँ सर,
और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर्स में, मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन सभी बहुत इजी रहते हैं, अगर बस आपको अच्छे से समझना जरूर। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन वन डायमेंशन से रिलेटेड हो, और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा टाइम को और यूटिलाइज करते हैं और मोशन के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहाँ आपको यूनिट एंड डायमेंशन, यू वन डायमेंशन टू डायमेंशन मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप समझ सको। सबसे पहली बात, अगर बच्चों वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिखे, वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिखे और आपको एक्सेलरेशन बनाना, सो आप बिना सोचे समझे इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट। लेकिन अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन दिखे और एक्सेलरेशन बनाना, सो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज यूज ए इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स, दिस 110% वेरिएबल, 110% इफेक्टिव, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो यूजिंग dy ओवर dt, अगर वेलोसिटी f ऑफ x का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, अगर उल्टा दिया जाए, उल्टा रिवर्स दिया जाए, रिवर्स का मतलब ये कि अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन हो तो भी आप ऐसे ही लिखना a इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ यूजिंग सम सिंप्लीफिकेशन, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो तो भी आप यही यूज करना a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, दिस विल बी इक्वल टू सम एफ ऑफ टी, बाकी में ये रिफ्लेक्शन। क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर। सबसे बड़ी बात है, अगर दो बॉडीज a और b दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं va से और vb से, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b अगर ऐसा लिखा है तो ऑलवेज va माइनस vb, और अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a लिखा है सो vb माइनस va। बच्चों आगे की कान गए बात सुन लो, अगर बच्चों एक ऑब्जेक्ट a है, दूसरा ऑब्जेक्ट b है और a और b दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b करते वक्त दोनों को ऐड कर दीजिए, और वेलोसिटी ऑफ a ba लिखा हुआ है तो दोनों को ऐड फिर से कर दीजिए, इसमें कुछ भी बदलता नहीं है। क्लियर? सेम ये कॉन्सेप्ट, सेम दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर एक्सेलरेशंस एंड दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो वैलिड फॉर एक्सेलरेशंस। सो प्लीज अगर चाहे एक्सेलरेशन हो या आपको कभी वेलोसिटीज का केस मिले तो प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ इसी का फॉर्म यूज करना। क्लियर बच्चों? एक और टर्म है, आप देखिए अगर कभी मीटिंग कोलिजन ऐसा कोई वर्ड नजर आए, ध्यान रखना मीट कोलिजन या कोलाइड ऐसा कोई वर्ड नजर आए, या फिर वैन मीट, सो याद रखिए इन सभी क्वेश्चंस को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं व्हेन ऑलवेज फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ पोस्ट क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज यूज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लेट अस सी, फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन I want to use the simple illustrations, which is very useful in previous JE, previous NEET question है, previous JE mains question है, but chances है easy है तो पूछा भी जाता है, कभी कदा JE mains questions को भी देखना चाहिए। एक टावर लिया गया, इस टावर की हाइट 100 मीटर थी, इस टावर की हाइट 100 मीटर है, यहाँ पर बच्चों एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक पर्सन बिल्कुल इसके नीचे जस्ट यहां पर खड़ा। सो बच्चों उस इस पर्सन ने एक बॉल को रिलीज किया 5 मीटर पर सेकेंड, इस पर्सन ने एक बॉल को रिलीज किया 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछा गया व्हेन द बॉल्स मीट्स ए और बी, व्हेन
they bore these balls to be meet. ये बॉल कब मिलेगी, ऐसा कुछ है। चलिए तो देखिए, अगर आप इसको सोचो कि वन डायमेंशन टू डायमेंशन से करें तो नहीं कर सकते, आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको ये वर्ड दिख गया ना, मीट मीट कोलाइड ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा लगे मिलने वाले, कोलाइड टकराने वाले, अगर ऐसा कुछ भी नजर आए तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा। क्या, जरा ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, आपसे अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ए का बी के रिस्पेक्ट में पूछता हूं तो आप देखो दोनों ही वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है ना बच्चों। हाँ सर। अगर दोनों ही वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है तो रिलेटिविटी में ये दोनों क्या हो जानी चाहिए, ऐड ऐड। तो मेरे दोस्तों यहां पर VAB क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 + 10, दैट इज व्हाई VAB बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 15 meter per second। बोलो बेटा ये सानी। यस सर। इसका मतलब B becomes observer एंड A becomes object, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल वेलोसिटी ऑफ बी ए देख रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, तो जब बी वाला ए के ए को देखेगा तो अपनी ओर 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता है। बच्चों नाउ द ऑब्जर्वर बिकम एट रेस्ट ना, रिलेटिविटी में यही होता है, ऑब्जर्वर जो होता है वो रुक जाता है। चलिए फिर भी आपको क्या करना है, ये लगा लिया, अब जरा देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, चलो बताओ आप लोग बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या, ए ए बी क्या कुछ एक्सेलरेशन है, तो हाँ सर है। क्या क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी लग रहा है, नीचे जी ए वाले के लिए भी लग रहा है और बी वाले के लिए भी नीचे जी लग रहा है, am I right or wrong? Yes, sir. है ना, ए वाले के लिए भी जी, तो दोनों ही एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है भैया, दोनों ही एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। हाँ सर। एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग वर्टिकली डाउन, सो बोथ आर मूविंग इन डाउनवर्ड्स, सो रिलेटिविटी में इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चा, जीरो, जीरो मीटर। इसका मतलब अगर ए वाला बी को ऑब्जर्व कर रहा है, ए वाला या सॉरी बी वाला ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो अपनी ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ, am I right or wrong? So sir, you are absolutely right. Why am I right? Because here the relative acceleration is zero. So now the distance is how much? So time कितना लगता है? Time कितना लगता है? Time बराबर क्या होता है बच्चा? Time is equal to डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 100 अपॉन 15। सॉल्व कर दो भैया, 5 20/3 seconds, 20/3 seconds, दिस इज योर आंसर, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए फिर भी और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक क्वेश्चन और, एक एग्जांपल और। एग्जांपल में इस बार क्या किया गया, सपोज एक क्वेश्चन में और आपसे कर रहा हूं, एक साइक्लिस्ट है, मतलब बहुत सारे साइक्लिस्ट ले लिए यहां पर, एक ऐसे समझ लो इसको बॉक्स बना देता है, एक साइक्लिस्ट है, दूसरा साइक्लिस्ट, ऐसे एक साइकिल रेस चल रही है, साइकिल रेस, ठीक है ना, हर एक साइकिलिस्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, एक साइकिलिस्ट और दूसरे साइकिलिस्ट के बीच की कुछ डिस्टेंस होती है, और साइक्लिस्ट के बाद वॉकिंग परेड है, तो वॉकिंग परेड के जो पर्संस हैं वो चल रहे हैं
5 meter per second की रफ्तार से। Along the same direction of cyclist, जिस direction में cyclist जा रहे हो। The old man, एक old man है बेचारा। Old man, this is moving with a speed vo. So find the velocity of old man. Find the velocity of old man. आपको ये old man की velocity बतानी है। When this old man is meets with walking person and cyclist simultaneously. कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये ओल्ड मैन कितनी स्पीड से जाना चाहिए जिससे ये साइक्लिस्ट से और टेल मी और वॉकिंग पर्सन से एक साथ मिल सके। ठीक है ना, साइक्लिस्ट से और वॉकिंग पर्सन, ये जो वॉकिंग पर्सन हैं इन सब से एक साथ मिले। जिस टाइम पे साइक्लिस्ट मिल रहा है, जिस वक्त साइक्लिस्ट मिल रहा है, उसी वक्त आपसे कौन मिले, वॉकिंग पर्सन वाला बंदा मिले या उस ओल्ड पर्सन से वॉकिंग पर्सन वाला बंदा मिले। सो यहाँ पे मिलने की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है। तो जैसे ही मीट आया ना तो आप समझ लो रिलेटिविटी लगेगी, मीट आया तो रिलेटिविटी लगेगी, रिलेटिविटी लगा दो तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये वाला तो चला गया। जितना टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा उतने टाइम में ही ये वाला आ जाएगा। बोलो भाई आसान, यही तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में। अगर दोनों साइक्लिस्ट और पर्सन दोनों ओल्ड मैन से एक साथ मिल रहे हैं तो जितना टाइम इस बंदे को यहां से यहां तक जाने में लग रहा है उतने ही टाइम में यहां आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को बात बताओ, velocity of the cyclist with respect to old person क्या हो जाए, velocity of cyclist with respect to old person, सोचो क्या होगा। old person बेचारा क्या देखेगा, VCO, so both are moving in the opposite direction ना, 20 plus V naught, very good। अच्छा भैया velocity of the walking person with respect to old man क्या हो जाएगी, 5 plus V naught, your walking person with respect to old man, that means this is what it is, VPO which is 5 plus V naught। क्या कहते हैं बच्चा, ये हो गया ना। अगर मैं बात करूं कि ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, साइक्लिस्ट का सेपरेशन 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये है आपका 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, दिस इज अ परेड है ना। सो अब जरा ध्यान से देखा जाए, सो अगर दोनों एक साथ मिल रहे हैं रिलेटिविटी में, सो टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट, this equal to the time taken by walking person, है ना? हाँ सर। Walking person. So मेरे दोस्तों, cyclist का जो time लगेगा वो कितना लगेगा? Distance upon 10 upon VCO. Distance upon speed. 10 upon VCO is equal to 20 upon VPO. भैया 10 upon VCO कितना हो गया? VCO कितना हो गया? 10 upon VC. VC तो आपको दिया ही गया है, VC आपको दिया ही गया है, VC 20 plus V naught is equal to 20 upon 5 plus V naught. तो 10 into 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 5 प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 40 प्लस 2 वी नॉट, तो कुछ डाटा वाटा गलत दिया गया होगा, चलो कोई नहीं। तो यहां से वी नॉट बराबर कितना आ गया बेटा, 35, दिख रहा है ना, मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इज इंडिकेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस डाटा
the old man is moving along same direction. Clear? Yes, sir. Along same direction. तो याद रखना, अगर कभी मीटिंग की बात हो, कोलिजन की बात हो, इवन मिलने की, या कैच, पुलिसमैन कैच द थिप, ऐसा कुछ हो, पुलिसमैन कैच द थिप, तो भी आप याद रखना रिलेटिविटी का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है? रिलेटिव मोशन का। क्लियर मेरे दोस्तों? अच्छा, कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस हैं वन डायमेंशंस में जिनको आप कर सकते हैं। जैसे कि पहला एआईपीएमटी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, 2006 में, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर ट्रैक का जीरो होता है, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। क्या कहते हो भैया? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन स्पीड कितनी होगी? तो डिस्टेंस, एक सर्कुलर ट्रैक में टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2πr। तो 2πr का मतलब कितना हो गया? 2πr, दैट इज कॉल्ड 2 × 3.14 × 100, दिस इज इक्वल टू 62.8। क्या कहते हो बच्चों, है ना? हाँ सर। और दिस इज आंसर, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी एवरी सेकेंड्स? दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो आंसर इज 4। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स इज इक्वल टू 4t + 12t - t³। पार्टिकल बिफोर कम टू रेस्ट, आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा जब पार्टिकल रेस्ट पे हो जाए, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करिए और उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों? इसकी क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही टाइम होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, टू बॉडीज ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 16 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, आपको से पूछा गया दोनों, तो टाइम बराबर कितना होता है? अंडर रूट 2h/g, इसके अलावा कुछ नहीं, तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट 2h/g, इसका आ गया ए का और इसका आ गया बी का, दोनों को कैलकुलेट करिए, चेक करिए आंसर्स क्या आता है, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे क्या, ये देखिए 45 - θ और 40 + 5 + θ, ये दोनों कैसे? कॉन्जुगेट एंगल है, तो कॉन्जुगेट एंगल में रेंज सेम रहती है, इसलिए आंसर्स 1। आगे क्या है, अ कार मूव्स फ्रॉम द एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड यू वी यू एंड रिटर्न्स टू एक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। तो देखिए, गई ये वी यू स्पीड से, वापस आ रही है वी डी स्पीड से, सो एवरेज स्पीड पूछी गई। तो अगर मैं मानू एक्स टू वाई के बीच की डिस्टेंस एस है, तो टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल टू एस ट्रेवल की गई एस बाई वी यू आई बी एस बाई वी डी से, तो भैया सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 2uv × vu vd / vu। सो ऑप्शन इज सेकंड। आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 को आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, आपको एक्सेलरेशन दिया गया फंक्शन ऑफ टाइम। अभी मैंने बताया था आपको कि इसको आप कैसे करते हैं, पार्टिकल पूछा गया है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करिए। प्लीज सी दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुल। f = f0 × 1 - t/t, ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है वेलोसिटी बताइए जब फोर्स क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाए या फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन एफ जीरो हो जाए, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, सो एफ नॉट जीरो कर दीजिए, 0 = f0 × 1 - t/t, यहां से बेटा 1 - t/t किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। सो t = कितना आ गया? कैपिटल टी, इस टाइम पर जीरो होगा। अब इसको a को क्या लिख सकते हैं? dv/dt = f0 × 1 - t/t। बाकी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेट करिए, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर? सो इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोजिशन ऑफ द पार्ट एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 90 क्यूब, फिर भी वही एक्स है। वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस? तो सबसे पहले मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करिए,
सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, उसको जीरो करिए, वो टाइम निकाल लीजिए और वो टाइम ही आपको बताएगा कि मैक्सिमम स्पीड क्या। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जो भी आप स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू आ जाएगा 18t माइनस का 3t स्क्वायर। एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे सो मैं बोल रहा हूं 18 माइनस 60 आएगा। ये एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पे जीरो होगा वही मैक्सिमम पॉइंट स्पीड देगा। तो भैया जीरो कर दीजिए इसको, तो t बराबर 3 सेकंड पे आपको जीरो मिलेगा। 3 बराबर 3 सेकंड यहाँ पे डाल दीजिए तो मैक्सिमम पोजिशन आ जाएगा 9 × 9 = 81 माइनस 27। तो रिजल्ट इज कितना आ जाएगा बेटा, 11 में 7 गया 4 बचेगा और 6 में 2 गया। हाँ बेटा 54 मीटर। 54 बहुत बढ़िया, 7 में 2 गया 5, 54 मीटर। क्लियर? तो एक बार फिर से देखिए, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर लिखना है, वहां से जो टाइम आएगा उसको इस इक्वेशन में डाल के आपको आंसर्स निकाल। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन दिस। यू इनिशियल जीरो दिया गया, ए इतना दिया गया, थर्ड सेकंड, इन द थर्ड सेकंड पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। थर्ड सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। बस ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आपको रिजल्ट आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज 4/3 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन, सो दिस इज हाउ मच, 2 × 2 = 4, it is 2/3 into 2 × 3 = 6 minus 1 is 5, so this is 10/3. ठीक है, फिर ये क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन टी सेकंड्स, द वैल्यू ऑफ टी। बहुत आसान क्वेश्चन, कोशिश करिए आप इसको 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक का चेंज हो रहा है जब इतनी दूरी ट्रेवल कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई, फाइनल वेलोसिटी दी गई, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, उससे एक्सेलरेशन निकल आएगा और एक्सेलरेशन निकल आया तो आप टाइम बड़ी आसानी से बता सकते हो वी इक्वल टू यू प्लस एटी से और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक पार्टिकल शोज अ डिस्टेंस टाइम कर्व और एज गिवन इन द दिस फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप, तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे, तो सबसे ज्यादा स्लोप कहां पर होगा, देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्लोप होगा, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे, आप देखो सबसे ज्यादा स्लोप आपको कब दिख रहा है, सी पॉइंट पे दिख रहा है ना, सी पॉइंट वाला सबसे ज्यादा स्लोप बना रहा है कि नहीं बना रहा है बच्चों? हाँ सर। आंसर इज सी, है ना। फिर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकंड, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, करके लाना है आपको, हम कल की क्लास में जरूर इसका डिस्कशन करेंगे। अगर आपसे नहीं होता, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स भेज दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके।